मशहूर फिल्मकार राज खोसला की मेरा गांव मेरा देश फिल्म के दो गीत, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, और हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, उस जमाने में काफी मशहूर थे और आज भी दर्शक इन गीतों के दीवाने हैं। 1971 के इस फिल्म ने एक अभिनेत्री को अमर बना दिया था। इन दोनों गीतों को उसी अभिनेत्री पर फिल्माया गया था। अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं अनामिका बात कर रही हूँ मशहूर अभिनेत्री और लाजवाब डांसर लक्ष्मी छाया के बारे में। स्वागत है आपका आपके चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर, जहाँ मैं फिल्म जगत से जुड़े मशहूर हस्तियों की कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, अगर आपने भी लक्ष्मी छाया जी को बड़े स्क्रीन पर देखा हो तो अभी लाइक कर दीजिए। लक्ष्मी छाया जी का जन्म 7 जनवरी 1948 को एक मराठी परिवार में हुआ था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में लक्ष्मी छाया जी का नाम बहुत कम बार लिया गया, पर जब भी इस नाम का जिक्र हुआ तो उन पर फिल्माए गए गीत और डांस परफॉर्मेंस हमेशा तारीफ का विषय रहा है। उनके फिल्मोग्राफी पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि हिंदी सिनेमा में उन्हें कभी मुख्य अभिनेत्री का दर्जा नहीं मिला। उन्हें हमेशा बतौर साइड रोल और डांसर के लिए चुना गया। बहुत लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी ने लीड एक्ट्रेस की भूमिका कभी नहीं निभाई, पर यह झूठ है। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में मराठी, गुजराती और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। मराठी और हिंदी फिल्म जगत के नामी हस्ती अशोक सराफ की फिल्म आराम हराम है फिल्म में उनकी लावणी देखने लायक है। ये फिल्म सन 1976 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 1977 में आई गुजराती फिल्म वंजारी वाव में भी उन्होंने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु फिल्म में भी काम किया था। लक्ष्मी जी का फिल्मों में प्रवेश योगा योग से हुआ था। जब वो 9 की थी तब वो अपने सहेलियों संग फिल्म स्टूडियो में शूटिंग देखने गई। वहां एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म का नाम था तलाक। डायरेक्टर थे महेश कौल। उन्हें एक सीन के लिए स्कूल की छात्राएं चाहिए थी, तो इस प्रकार महेश जी ने छोटी लक्ष्मी को चुन लिया और कैमरा के सामने अन्य बच्चों के साथ बिठा दिया। जिस शॉट में लक्ष्मी दिखती हैं, वो असल में एक गाने का सीन था। वो गाना था नई उम्र की कलियों। इस फिल्म में उन्हें क्रेडिट तो नहीं मिला, पर 3 के बाद बतौर डांसर उनकी एक फिल्म आई। वो फिल्म थी बड़ा आदमी। इस फिल्म के बाद उनका करियर अगले 2 तक चलता रहा, पर बदनसीबी से उन्हें हमेशा साइड रोल मिलते थे। उन्हें बिंदु, अरुणा ईरानी, पद्मा खन्ना जैसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के लिस्ट में डाला गया, जहां टैलेंट होते हुए भी इन चारों अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं मिलते थे। अरे कुसुम, आज तो तू बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, क्या बात है? बस 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 भैया, मस्का पॉलिश की कोई जरूरत नहीं, असली बात क्या है वो बताओ। अरे असली बात क्या होती, फुर्सत मिली तो मौका मिला, मैंने सोचा चलो अपनी लाडली बहन से मिलाए। देख कुसुम, ये राजू है, राजू है, ये नया नया शहर में आया है बेचारा, इसके पास रहने को कोई जगह नहीं है। कुसुम, ये गुंडे लफंगों का अड्डा नहीं घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ। अरे सुनो तो सही कुसुम, तू तो जरा जरा सी बात पे बिगड़ जाती है। बात सुनो, देख ये कोई गुंडा लफंगा थोड़ी है, भोला भाला लड़का है, बेचारा अभी गांव से आया है। सुनो, इसने 2 से खाना नहीं खाया, इसीलिए तो मैं क्या करूं? कुसुम ने क्या दुनिया भर के भूखे लोगों का ठेका लेके रखा है? उठ 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 मेरा नाप ले, साथ आ जा घर। अरे कुसुम बात सुन, और आज गुंडे लफंगे चोर घर को बदमाशों का अड्डा बना के रखा है। हां, अरे आओ, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे क्यों ने तो एक एक आला ये रहा अपना कमरा, बैठो बैठो बैठो। अरे भाई बैठो, इसने कुछ खाया नहीं, घर में जैसे लंगर खान खोल के रखा है। माँ जी लाड़ की बहन। अरे राजू तुम खाना खाओ, मैं जरूरी काम से जाता हूँ। मैं अरे इकड़े तिकड़े काय बकतो,
एक समय ऐसा भी आया जब लक्ष्मी जी का सिक्का अमेरिका में भी चल गया। 1965 की गुमनाम फिल्म भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म का एक गीत जान पहचान हो भारत समेत अमेरिका में भी प्रसिद्ध रहा, क्योंकि इस गीत में उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया था उसकी दखल कई सारे फिल्म मैगजीन्स और पत्रकारों ने की थी। इसके अलावा मैं शराब बेचती हूँ, आवारा है मेरा दिल, मैं एक हसीना जैसे गीत से लक्ष्मी छाया ये नाम आज भी अमर है। उनकी मासूमियत भरी आवाज और खूबसूरती के कई सारे दीवाने भी थे, पर प्रतिस्पर्धा के खेल में लक्ष्मी छाया ये नाम धीरे धीरे मिटने लगा। दिन महीने साल गुजर गए पर लक्ष्मी छाया फिर से वापस नहीं आई। उनकी आखिरी फिल्म परख 1987 में आई थी। दिनचर्या के लिए उन्होंने डांस स्कूल भी खोला था, जहां गरीब बच्चों को लक्ष्मी जी डांस सिखाती थी। उनके परिजनों के बारे में आज कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है 9 मई 2004 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया था। उनकी मौत की ना किसी को खबर मिली और ना ही किसी। मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।